हाय एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बीच में गैप हो गया क्योंकि मैं बिजी हो गया था। पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग दो दो पेपर दो दो क्वेश्चन एक बारी में सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सवाल है कि बोल रहा है कि चार डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। सवाल को समझना जरूरी है, एक एक वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अलग नंबर्स, मतलब पी क्यू आर एस जो है वो सिमिलर नंबर्स नहीं हो सकता है। और सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कहने का क्या मतलब है? मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा और 222 ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो हम लोग डिस्टिंक्ट नंबर्स क्या ले सकते हैं वो हम लोग पहले आगे का पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करना है पी प्लस क्यू आर प्लस एस का। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हमको ग्रेटेस्ट नंबर चुनना होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, नेगेटिव नंबर्स तो कोई है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच में चार नंबर लेंगे जो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकता है। तो वो कौन सा चार नंबर हो सकता है? 9, 8, 7, 6, ये चार नंबर होगा। यही है हमारा चार नंबर, इससे कम होने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको करना है कि इसको इसमें प्लेस करना है। पी प्लस क्यू की जगह हम लोग लिखते हैं 9 प्लस 8 और दूसरा लेते हैं 7 प्लस 6, ठीक है। 17, 13, 2, 21, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है तो तुम्हें को करना होगा। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, पी और क्यू की जगह पे हम लोग ले सकते हैं 9, 7, ठीक है। 8, 6, 8, 6, 14 और 9, 7, 16, 4, 2, 24, ठीक है। अब एक और बचा है, 9, 8 हो गया, 9, 8 हो गया, 9, 7 भी हो गया, अब 9, 6 बचा हुआ है, 9, 6 और 8 और 7, ठीक। 15, 15, 225, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके बताना। तो 225 है जो हमारा हाईएस्ट नंबर। हम लोग इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, फटाक से पुट करके देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। हो गया ना, 1 मिनट से भी कम समय लगा। अब है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है एन जो कि फॉर्म हुआ है 9 को 99 बार लिखने से। समझ रहे हो, 9 को 99 बार लिखने का मतलब 9, 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
उसको डिवाइड करेंगे 13 से, 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। अब हमको ये पता करना ज़रूरी है, क्योंकि हम नौ 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 को 13 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 13 से कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। एक फार्मूला है, जैसे आप मान लो कि कोई नंबर है 1139502, अगर हमको ये पता करना है कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम लोग तीन तीन का ऐसे तिड़ुआ बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ठीक है? और क्या करेंगे कि राइट साइड से ऐसे करेंगे, 502 माइनस 139 प्लस 1, ठीक है? अगर ये जो नंबर आता है, ये नंबर क्या आएगा, माइनस 138 होगा, मतलब 364 होगा। 364 अगर 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा, 13 26 26, 104 होता है क्या, 28, ठीक है? इसका मतलब ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है। सिमिलरली हम लोग 999 ये जो नंबर है ना, इसको भी हम लोग करके एक बारी देखेंगे, ठीक है? मेरा कीबोर्ड स्लो हो गया है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पेयर्स बनाएंगे, इसमें भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे पेयर्स में। 999 माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे 999 माइनस 999 प्लस 999, ऐसे करके बनाएंगे। तो ऐसे करके कितना पेयर्स बनेगा, तो आप जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे है 999 करके ऐसे 99 बार लिखा गया, ठीक है? तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर एक सेट में 3 9 है, ठीक है, तो 99 9 करने के लिए कितना होगा, मतलब एक सेट में अगर 3 9 बन रहा है तो ये 99 9 कैसे बनेगा, तो 33 × 3 या 99, ठीक है? ये है एक सेट, ऐसा 33 सेट्स होगा तब जाकर के पूरा नंबर बनेगा। तो 33 सेट है, इसका मतलब अगर हम उधर से काटना चालू करेंगे, 999 प्लस 999 माइनस माइनस 999, ऐसे काटना चालेंगे करेंगे तो 32 सेट जो है वो कट जाएगा, अंत में बचेगा 999। और मेरा फॉर्मूला भी यही कहता था कि अंत में जो बच जाता है उसको 13 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचता है वही तुम्हारा नंबर है। तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 13 7 जा 91, यहाँ 89 हो रहा है, इसका मतलब है 13 6 जा 78, बचा कितना, 11।
तो 11 है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियरली यहाँ कर देते हैं, 11 हमारे सही आंसर है। अगर फिर भी आपको डाउट रहे ऐसे सवाल में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि क्लैरिटी के साथ और समझा पाऊँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड सी यू।